गए थे रात को तो सब बेजा रहे हैं ना, वो बिगाड़ गए थे। आलू ले गए, आलू तो खा गए, एक मेड बिगाड़ गए थे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज तुम्हें मुझे कुछ फर्क दिख रही है? हाँ, वो तो दिख रहा होगा क्लियर, क्योंकि ऊपर से ही बार मैंने उड़वा दिया अपने। तो आज मैं कटिंग करवाने गया था, मैं और सौरभ बाइक से, तो दुकान भी खोली थी थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैंने सोचा बार मुझ पर कटते तो थे नहीं, तो मैंने कहा बार ही कटवा देता हूँ, सही से नहीं लगते थे मुझ पर बाल, तो मैंने कटवा दिया। और सौरभ तो नहीं करवा कर लेकर आया ऐसी अपनी कटिंग, सौरभ तो वैसी कटिंग करवा कर लेकर आया है। ऊपर से बार रख के हैं उसके, मैंने तो उड़वा दें। ये दो नंबर है ऊपर वाले और ये एक नंबर है। तो मैं जा रहा था खेतों के साइड और सब घर हैं, तो सौरभ बना रहे टूम बंडर की वीडियो, तो मैं एडिट कर आया हूँ। और उसमें तो बहुत टाइम ही लगा था एडिट करने में, 2 घंटे लगे थे, इफेक्ट भी लगाए थे उसमें, तो इसलिए टाइम लगा। और सभी घर हैं, दादी जी हैं ना, आज जो उधर हम सोते थे वो वाला कवर साफ किया है वो नहीं किया। तो मैं और सौरभ तो कटिंग करवाने गए थे, तो बेड को हटवा दिया था मैंने, तो फिर मैंने वो कवर साफ नहीं करवाया इसीलिए। तो फिर हम कटिंग करवाने चले गए, तो आज सभी लेट है, लाइट भी लेट आई थी, तो इसीलिए सभी मतलब टंकी में पानी नहीं था, तो टंकी में पानी चलाया, फिर जब कपड़े धुले हैं और लेट हो गए थे। तो अब ये हमारे आलू हैं, ये खुदाएंगे, जो होली होगी होली के बाद खुदाएंगे, क्योंकि होली तो पता नहीं, दादी कह रही थी होली के बाद खुदाएंगे, क्योंकि होली के बाद सभी के खुदाएंगे। हमारे पीछे से भी थे आलू कुछ, और ये देखो आल तो हो चुकी है, ये है ना 5-6 दिन में कटने लग जाएगी आल। आल कट कर फिर मेड पर डलेगी, फिर उसका गर्मियों में मालूम ही नहीं पड़ेगा आल थी या नहीं वहाँ मेड पर, क्योंकि सब ही जड़ जाएगी आल। देखो अभी सब की आल बेकार होती जा रही है, और तो ये 5-6 दिन में हमारी कटने लग जाएगी आल। तो मैं अकेला ही आया था यहाँ पर, टूगल पर कोई आ ही नहीं रहा, सब अपने काम से लगे पड़े हैं। रिया अभी मम्मी जी के साथ सफाई करने लग रही है, सौरभ है ना ट्विन वंडर की वीडियो बना रहा है, और दादाजी है ना, और दिन तो आते थे पर आज नहीं आए, क्योंकि आज देख रहे हैं टीवी, उसमें देख रहे हैं WWE जो होती है ना फाइट, वो देखते हैं दादाजी मम्मी देखते हैं, सबको पसंद है। और पापा जी कुछ काम कर रहे, तो फिर वो भी आज घर ही थे पापा जी, तो कल। और सौरभ का जन्मदिन आ रहा है, कितने आज होगी 5 तारीख, 3 दिन बीच, 3rd दिन में है और 2 दिन बीच हैं, तो उसके लिए अभी कपड़े भी लेकर आएंगे। तो आज तो कटिंग करवाया वो, इसलिए मेरी तरह कटिंग नहीं करवा कर लेकर आया, क्योंकि उसका जन्मदिन था और उसके स्कूल में भी मारते हैं, ऐसे कटिंग करवाया अगर ऐसी मेरी करवाया गाढ़ा कटिंग तो मारते हैं, और वैसी भी स्टाइल में कराया, मतलब मीडियम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए कटिंग, जब नहीं मारते। पता नहीं भाई इसका स्कूल ही ऐसा था, और ये पेपर दे कर आए थे, क्या स्कूल का नाम बता रहे थे, कृष्णा कलम, उसमें ये कह रहे थे इंग्लिश में आ रहा था। हमारे स्कूल में तो कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी पढ़ाई आती है, तो इसलिए हमारे मैथ, सौरभ कह रहा था मेरे मैथ वाले सवाल तो सभी सही थे, और बाकी तो पता नहीं लग गए होंगे तुक्का से। हमारे जो आलू हो रहे हैं ना 3 बीघा में, इसमें बेजार घुस गए थे रात को, तो सब बेजार हैं ना, वो बिगाड़ गए थे। आलू ले गए, आलू तो खा गए, एक मेड बिगाड़ गए थे, पता नहीं इस साइड की थी या उस साइड, इस साइड तो थी नहीं, उस साइड थी, तो उस साइड तो मैं गया नहीं। तो फिर अब मैं जा रहा हूँ घर, तो मैं घर आ चुका हूँ, और सौरभ बना रहा था ट्विन वंडर की वीडियो, तो वो सेविंग हो चुकी है, तो मुझे करना अपना ब्लॉग भी एडिट, और एक और इसने बनाई है वो भी एडिट करनी है। अभी मैं है ना वो क्या क्या पी कर आए सौरभ, क्या पी क्या, पेप्सी नाम तो होगा पेप्सी का, एनर्जी पावर पी कर आए दोनों, पापा जी ने दिलाया था दुकान पर पास में। तो इस ब्लॉग को इंप्रिंट करता हूँ, आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।